आप लोग को इनकम टैक्स के ना क्वेश्चन दिखाता हूँ गाइस। अगर आप भी एक लाइन रीड करोगे ना तो आपको भी पढ़ लेनी पड़ेगा कि लिखा क्या है। चलिए ठीक है, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वाला क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। आयकर आय पर लगाया जाता है, परंतु आय शब्द की कोई भी परिभाषा। हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस, और अच्छे होना भी चाहिए। आज संडे है और मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 18 तारीख से हैं। और 18 तारीख के लिए अभी पूरा पूरा एक हफ्ता बाकी है गाइस, और मैंने अभी बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम इनकम टैक्स का है, जो कि बहुत कठिन होने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं मिले, और कॉलेज तो मैं वैसे ही नहीं जा रहा। सो मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को बोला है कि अगर भाई क्वेश्चन मिलते हैं तो सेंड कर देना कर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हुआ था सर मैं पढ़ने के लिए। मैंने यार इनकम टैक्स की विद्या के कुछ क्वेश्चन पढ़े, बट पल्ले ही नहीं पढ़ रहा था कुछ, इसलिए मैंने अभी विद्या साइड में रख दी हूँ। लेकिन यार टेंशन बहुत हो रही, तो गाइस अब पढ़ाई करना है क्योंकि यार फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है, तो अपन रिस्क नहीं ले सकते। और आज तो धूप भी बहुत तेज़ हो रही है गाइस, और शॉप भी जाना पड़ेगा क्योंकि एक दो दिन से तो शॉप खुल नहीं रही थी, शायद आज खुले। और अभी तो ऐसा कुछ पता भी नहीं कि खुल भी रही है या नहीं खुल रही है, लेकिन देखा जाएगा। अभी मैं छत पर आया हुआ था गाइस, बहुत तेज़ धूप हो रही है। मेरे घर के जस्ट बाजू में जो अंकल लोग रहते हैं, उनका भी घर बन रहा है, तो वहाँ से भी आधी मतलब बहुत भयंकर की धूल आती है उड़ कर, तो छत हथ में धूल भी बैठ गई हुई है। अभी आप लोग को इनकम टैक्स के ना क्वेश्चन दिखाता हूँ गाइस। अगर आप भी एक लाइन रीड करोगे ना तो आपको भी पढ़ लेनी पड़ेगा कि लिखा क्या है। चलिए ठीक है, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो गाइस अपन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये सेकेंड नहीं थर्ड वाला क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। आयकर आय पर लगाया जाता है, परंतु आय शब्द की कोई भी परिभाषा। क्या लिखा है? आयकर अधिनियम में नहीं दी गई है, केवल यह बताया गया है कि आय में क्या क्या सम्मिलित है, समझाइए गाइस। फिर उसके बाद फिर ये एक और नीचे से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है, और आंसर देखिए आप। ये आंसर यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट, इतना बड़ा आंसर है गाइस। इतना सारा याद करने के लिए बैठूंगा ना तो यार दो हफ्ते भी हो जाएंगे, इतना सारा याद नहीं हो पाएगा। और अभी तो पूरी विद्या पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन तो मिले नहीं है, तो बस समझ समझ के पढ़ेंगे और अड्डा मारेंगे जाकर। सो गाइस धूप भी बहुत तेज हो रही है। चलिए ठीक है, दिखा देते हैं अब आपको अपना जबलपुर का नज़ारा। हम अपने जबलपुर का नज़ारा स्टार्ट करेंगे कटंगा टीवी टावर से। ये जो टावर दिख रहा है ये कटंगा के पास है, ये देखिए। जय श्री राम। बन रहा है यहाँ पर, हम लोग के पड़ोस में, तो जस्ट अभी इनका स्टार्ट ही हुआ है घर बनने, टाइम लग जाएगा फिर भी। और देखिए ये अभी पूरा बनेगा, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ एंड तक में, तो जहाँ पर ये रॉड रखी हुई है ये पूरा बनेगा अभी इनका। तो गाइस धूप भी बहुत तेज हो रही है यार, ये देखो। इतना साइड साइड में बादल भी हो रहे हैं। सो गाइस अब गाइस धूप तो बहुत तेज हो रही है, मतलब बादल भी हैं बट धूप आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और धूप बहुत तेज हो रही है गाइस। अब वीडियो में आप बने रहिएगा, अब मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि यार एग्जाम पास में है, आप लोग को मैंने बता दिया है। तो अब अपन मिलेंगे पढ़ने के बाद। ये देखिए रोड, ये अभी इन लोग का भी घर बन रहा है, और ये यहाँ से दीवार उठ रही है सबके। ये देखिए यहाँ से पूरा जॉइंट हो जाएगा, चढ़ जाएगा हम लोग के घर के बाजू से, इन लोग का घर भी। अभी काम चल रहा है, आज तो संडे था इसलिए लेबर आई नहीं, अब देखते हैं कल से शायद काम स्टार्ट हो यहाँ का भी। हाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसे घर बनने में, फिर भी लग जाएंगे 8-9 महीने या फिर से भी ज़्यादा, कुछ कह नहीं सकते।
अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और अभी मैं घर ही पर हूँ क्योंकि आप तो शॉप निकली अपन शॉप में मिलते। और इससे पहले मैं दिन में इनकम टैक्स का पढ़ रहा था, अभी बस छत पर आया हुआ था और हल्की हल्की धूप है, वैसे शाम हो गई है तो बस 1-2 मिनट और रहेगी धूप, फिर उसके बाद चले जाएगी और आगे देखते हैं। भाई का फ़ोन आया था दिन में, बोलते भैया शॉप तो खुलेगी नहीं, और हम लोग भी गौरी घाट में थे नहा रहे थे और मैं तो भाई सो गया था यार, बहुत ही सुंदर थी पढ़ते पढ़ते, जबकि मैं वैसे मैं इतना भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे बजरंग बली जी का मंदिर है, drunk off your life and I lost myself again, you hit just like a drug that